ये भी के रिलेटेड लोग डर रहे हैं, तो ये डरना किस हद तक सही है आप बोल सकते हैं? देखिए मैं तो दीन की रोशनी में बताऊंगा, तो सीए भी अल्लाह से डरने वाले कभी ये चीजों से नहीं डरते। अल्लाह से डरने वाले इसी डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो होता देखा देंगे, सब साथ हैं इंशाल्लाह, कोई डरने की बात नहीं है, हैबत खाने की जरूरत नहीं है। ये मामूली जो है बिल बना है इंशाल्लाह, मेरे से उम्मीद है हम मुसलमानों पे जो अल्लाह ताला, अगर मुसलमान पूरे दुआ करना शुरू होंगे ये बिल उन हराम को के ऊपर ही जो है पलटेंगे इंशाल्लाह। शुरू करना था लेकिन इस प्रोटेस्ट को मुस्लिम चौक पे महदूद करने की वजह क्या बनी? देखिए पहली बात तो ये है कि हुकूमत से जो है कर्नाटक का हुकूमत जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जो है ये परमिशन नहीं दिया है, लिहाजा हमारे कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट भी इसकी मजबूर थी। और अल्लाह करम से जो गुलबर्गा के जो कायदीन और हमारे मैडम कनीज फातिमा एमएलए साहिबा सुबह में जो है एक नुमाइंदगी और पूरे मिलकर कोशिश करने के बाद हमको 144 लगने के बावजूद भी मुस्लिम चौक पे एहतजाज करने का परमिशन दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। रही दूसरी बात कि अभी जो आप लोग एहतजाज जो देखे, आज जो एहतजाज हुआ है ये सीएबी और एनआरसी के ख़िलाफ़ जो है इसके लिए किया गया है, तो मुसलमानों में हिंदुस्तान में एक अजीब बेचैनी परेशानी जो लोगों में एक जो है बेचैनी हो रही कि भाई आखिर है क्या, ये मामला है क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दुनिया में जीने के लिए, दुनिया में जीने के लिए जबकि सबको पता है कि हम सबको मरना है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग कितने परेशान हैं। मैं इस मौके पे ये बोलना चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को, माँ और बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम दुनिया में रहने के लिए इतने परेशान हैं, मरने के बाद आपकी और हमारी ईमान का ये अकीदा है और ये बिल्कुल इस पे अकीदे पे आप पूरे मुसलमान हैं, जो लामहदूद ज़िंदगी है उसकी तैयारी हम करना छोड़ दें। दुनिया की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, आखिरत की तैयारी की फ़िक्र हम नहीं है। तो लिहाजा मैं हमारे नौजवानों को और हमारे मुसलमान भाइयों को जो अब तक जो लेज़ीपन, जो रातों में जगना नौजवान, जो अगर ये अगर ऐसा बाकी रहेगा तो अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। और लिहाजा अल्लाह कुरान में बोल रहा है जो कौम जब तक अपने आप को बदलना नहीं चाहती है उसको बदलूंगा नहीं। तो लिहाजा नौजवानों से दरख्वास्त है कि अपने आप को बदलिए, आइए अल्लाह की तरफ और नबी के रास्ते की तरफ आ जाइए और मस्जिदों को भरा दीजिए, फजरों में और नमाजों में मुसलमानों की जो है तादाद बढ़ेंगी जब ही अल्लाह की मदद पहुँचेगी। ये अमित शाह ये मोदी हमारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। ये जो लोग जो प्लानिंग करे हमारे खिलाफ, ये प्लानिंग अल्लाह सबसे बड़ा प्लान है, उनके ऊपर पलटा सकता, उनकी कौम के ऊपर पलटा सकता। तो मैं तमाम लोगों से, हमारा मकसद क्या है, हम अल्लाह की तरफ पलटना है, हम उसके नबी के तरीके पे आ जाना है, हम इबादतों जिस मकसद से अल्लाह हमको पैदा किया है, क्या मकसद है, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह की इबादतों में लग जाइए, अल्लाह की मदद आएगी। और ये तो शुरुआत है आज की, जो हम लोग जो एहतजाज किए हैं पूरे तंजीमों पूरे जमात पूरे सियासी पार्टियां मिलके एक इत्तेहाद का बड़ा बेहतरीन मुजाहरा हुआ है, मैं ये शुरुआत बोलता हूँ। अभी हमको लड़ना बहुत बाकी है, इतना जल्दी नौजवान जज्बात होने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन नहीं दिए वो नहीं दिया कोई ज़रूरत नहीं, अभी बहुत लड़ना है हमको, कॉर्नर मीटिंगों में जाना है, मुसलमानों को समझाना है आखिर है क्या है, आखिर है क्या, पड़ोसी है हमारे लोगों को मालूम नहीं आखिर क्या है क्या हो रहा है। तो लिहाजा हमको, हमें हमारे शोएब साहब से भी गुजारिश करता हूँ और हमारे नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ, जो अच्छा बोलने वाले हैं, जो अच्छा समझाने वाले हैं नौजवानों को, जो होटलों पे बैठते हैं जाकर, जैसा रात में मैं एक दो वीडियो देखा बड़ा अच्छा दिखा, मैं लोगों को जमा करें और ये मामला में बताएं लोगों को ये मसला क्या है, वरना हमारे लोगों को कुछ मालूम नहीं। ये मालूम है कि नौकरी कहाँ मिल रही, कहाँ वोट डालना है, ये हमको यही मालूम है। लिहाजा ये जो अपनी तैयारी करना है, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि लोगों को समझाएं और ये जो भी NRC CAB आया, जो भी फैसला लेंगे हमारे बड़े, जो भी हिंदुस्तान लेवल पे फैसला लेंगे उस पर हम अमल करेंगे, तैयार हैं। और गुलबर्गा के लिए ये लड़ी की शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल भी इंशाल्लाह टीम जाएगी और इंशाल्लाह और भी जो है मुत्तहिद तौर पे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।